दोस्तों एक और छोटी सी कहानी कह लीजिए, इसे वैसे कहानी है नहीं, हकीकत है ये। यूरोप का एक देश है नॉर्वे, वहाँ कभी जाइएगा ना तो ये सीन आमतौर पर पाइएगा। एक रेस्तरां है वहाँ पे, उसके कैश काउंटर पर एक महिला आती है और कहती है कि 5 कॉफ़ी 1 सस्पेंशन। फिर 5 कॉफ़ी के पैसे देती है और 4 कप कॉफ़ी ले जाती है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आता है और कहता है कि 4 लंच 2 सस्पेंशन। वो 4 लंच का भुगतान करता है, 2 लंच पैकेट्स ले जाता है और फिर एक और आता है, ऑर्डर देता है 10 कॉफ़ी 6 सस्पेंशन। वो 10 के लिए भुगतान करता है, 4 कॉफ़ी ले जाता है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी जर्जर कपड़ों में काउंटर पर आकर पूछता है, एनी सस्पेंशन कॉफ़ी? काउंटर गर्ल मौजूद होती है वहाँ पर, वो कहती है यस, और एक गर्म कॉफ़ी उसे पकड़ा देती है। कुछ देर बाद वैसे ही एक और दाढ़ी वाला शख्स वहाँ पर आता है और पूछता है कि एनी सस्पेंशन लंच? तो काउंटर पर मौजूद व्यक्ति गर्म खाने का पार्सल, पानी की एक बॉटल उसको दे देता है। ये क्रम एक ग्रुप द्वारा अधिक पेमेंट करने का और दूसरे ग्रुप द्वारा बिना पेमेंट किए खान पान ले जाने का दिन भर चलता रहता है। यानी अपनी पहचान ना कराते हुए और किसी के चेहरे को जाने बिना भी अज्ञात गरीब ज़रूरतमंद की मदद करना, यह है नॉर्वे नागरिकों की परंपरा। और एक हम हैं कि 1 दर्जन लोग किसी मरीज को 1 केला देते हुए बड़ी बेशर्मी से ऐसे फोटो खिंचवाते हैं जैसे दुनिया के सबसे बड़े दानवीर वही हैं। सोचिएगा जरूर दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, बेल बटन दबाना न भूलिए, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। नमस्कार।